आईपीएल के फाइनल में गुजरात की धमाकेदार जीत के बाद हार्दिक पांड्या को लेकर बाबर आजम का चौंका देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है बाबर आजम ने बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आईपीएल 2022 का फाइनल 29 मई को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर महज 130 रन ही बना सकी। जवाब में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 18.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और आईपीएल 2022 के खिताब पर अपना कब्जा भी जमा दिया। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की इस जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का बड़ा बयान आया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम ने कहा है कि गुजरात टाइटंस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। ये सीजन में डेब्यू करने वाली टीम थी और डेब्यू सीजन में ही इस टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान टीम को सही चलाया है। हार्दिक पांड्या को ये पता था कि किस गेंदबाज को कब कहां पर लाना है, जिससे कि वो टीम को विकेट दिला सके। साथ ही उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे कहा है कि गुजरात टाइटंस की जीत पर मैं टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हार्दिक पांड्या आने वाले सीजन में भी ऐसे ही कप्तानी करेंगे और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, क्या आप भी बाबर आजम के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।